आशुतोष नेगी जी जो कि ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी बिटिया अंकिता भंडारी के लिए और बाकी काफी कुछ किया, उन्हीं के शब्दों को आप मैं चाहूंगा कि वो दो शब्द बोले और उसको आगे व्यक्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद वर्षवाण जी। जब बेटा बच्चे थोड़ा शांत हो जाओगे, दो मिनट बेटा थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, थोड़ा गौर से सुनो बेटा। बेटा एक मिनट छोड़ो, थोड़ा शांत, थोड़ा सा बेटा कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। बस वेगी। मैं देवभूमि के इस इलाके में जो मां नंदा की भूमि है, लाटू देवता का क्षेत्र है, सबसे पहले अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मेरी बहनें जो यहाँ पे आई हुई हैं, मातृशक्ति जो यहाँ पे आई हुई हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि कुछ बहनों की माँ जो बैठी हैं यहाँ पे, वो इस दर्द को महसूस कर रही हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आंखों में आंसू है, और आंसू से बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता कि कितना बड़ा दुख है, बेटी का दुख कितना बड़ा है। एक बाप जो पिछले 11-12 साल से बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट कहता है कि इन हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, हाई कोर्ट कहता है कि इन हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इन्हें घर जाने दीजिए। तो आप सोचिए कितना बड़ा दर्द है कि एक पहाड़ का आदमी पौड़ी के नैनी डांडा इलाके से दिल्ली छोटी सी नौकरी के लिए जाता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, और जब बेटी जवान हो जाती है तो वो बेटी सोचती है कि मैं अपने माँ बाप का थोड़ा सा बोझ हल्का करूंगी। तो वो बेटी किरण बेटी हमारी एक छोटी सी नौकरी करती है, और जब नौकरी की छोटी सी तनख्वाह लाके अपने परिवार को मजबूत करने की कोशिश करती है, तो किस तरह से दिल्ली में उन बहसी दरिंदों ने उसे मार डाला, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ना मैं आपको रुलाना चाहता हूं कि किस तरह से उसे मारा गया, किस तरह से उसको उसके अंग अंग को नोचा गया, किस तरह से उस पर एसिड डाला गया, किस तरह से उसकी आंखों को फोड़ा गया और मरने के लिए उसे खेत में छोड़ दिया गया। ऐसे पैसी दरिंदों को जब सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है तो आप सोचिए उसके बाद क्या रास्ता है। तो इसी वजह से हमारे हिम्मती भाई साहब कुंवर सिंह नेगी जी दिल्ली से इस न्याय यात्रा के माध्यम से, जिसे मातृ शक्ति पार्टी जो आपकी है, मातृभूमि सेवा पार्टी जो है, उसे लीड कर रही है, जो हमारे यहाँ पे अध्यक्ष हैं सुधीर नेगी जी वो साथ में हैं, कमल ध्यानी जी साथ में हैं, आपके इस इलाके के सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह फरसवाण जी साथ में हैं, तो सब लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। मैं देख रहा था यहाँ पे जो आपकी सोल पट्टी विकास समिति है, मैं नाम थोड़ा याद नहीं है, रावत जी हैं, नेगी जी हैं, चरण सिंह रावत जी हैं, हरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, और तमाम मेरे भाई जिन्होंने अभी यहाँ पे कुछ बोला भी है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। प्रधान लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, कनिष्ठ प्रमुख हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और देखिए जो ये तो मैंने आपको किरण की कहानी सुनाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किरण के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये 12 साल पुरानी कहानी थी। तो अब मैं लौट के आ रहा हूँ अंकिता की लड़ाई देखिए अभी शुरू हुई है, और आज से ही हमें डर है कि अंकिता के साथ भी 12 साल लड़ाई लड़ने के बाद वो ही न हो जो किरण के साथ हो। इसी वजह से हम लोग सड़कों पर है और जगह जगह न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि आप अपनी बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं,
सरकार कह रही है आपसे बेटियों को पढ़ा लो, बेटियों को बचा लो। हम बेटियों को पढ़ा देते हैं लेकिन हम बचाएं तो किससे? जब वो नौकरी करने जाती है तो आपका भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता मंत्री का बेटा हमारी बेटी पर गंदी नजर डालता है और उसे चीला बैराज में फेंक देता है मार के। और जब हम सरकार से कहते हैं कि धामी जी उस वीआईपी को पकड़वा दीजिए जो इस हत्याकांड के पीछे है, जो उस बच्ची से, उस 18 साल की बच्ची से एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था, वो बीजेपी का नेता हो या संगठन का कोई आदमी हो, जो भी हो, किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में अगर कोई इस तरह का गंदा आदमी है जो हमारी छोटी बच्चियों पर गंदी नजर डालता है तो देखिए वो उस पार्टी का भी भला नहीं कर सकता। एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, गंदा कर देती है, और एक गंदी सोच का आदमी एक पार्टी का विनाश कर देता है। और यही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है कि उस गंदे व्यक्तित्व के कारण आज मुझे लगता है कि पार्टी के विनाश का बीज जो है वो पैदा हो गया है। और हमारी बेटियों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को कोई मतदान करेगा, क्योंकि जो सरकार हमारी बेटियों को न्याय नहीं दे सकती आखिरकार उनको मतदान क्यों किया जाए? हमारे विधायक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। क्या उनकी बेटियां नहीं है? क्या वो एक बेटी के बाप होने से पहले किसी पार्टी के नेता है? क्या उनकी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता? क्या उनके भाई की बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता? तो मेरा ये कहना है कि ये समय आ गया है कि हम सब लोगों को जागना है। कोर्ट की लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं उसके बारे में आप निश्चिंत हो जाइए। अंकिता का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट ले जा चुके हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उस वीआईपी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है, और हम उन्हें नहीं बख्शेंगे, किसी हाल उन्हें नहीं बख्शेंगे। आप ये आश्वस्त रहिए कि वो लड़ाई हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और मातृभूमि सेवा पार्टी के जो सचिव हैं वो खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, महावीर सिंह फरसवाण जी, उनका साथ भी हमारे पास है। कमल ध्यानी जी हमारे साथ हैं, सुधीर नेगी जी हमारे साथ हैं, और उत्तराखंड की तमाम जो मातृशक्ति है, चाहे वो उत्तराखंड के इन कंदराओं में निवास कर रही हो, चाहे दिल्ली में रह रही हो, चाहे देश विदेश में कहीं भी हो, सबका समर्थन, सबका साथ, सबका आशीर्वाद हमें है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने गांव में, घर में जब भी शाम को दिया बत्ती करें तो एक दिया जो है वो अंकिता के नाम का भी जलाएं, एक दिया किरण के नाम का भी जलाएं, या दिया आपका जला हुआ है तो कम से कम अपने आराध्य देवता से विनती कर लें कि हमारी बच्चियों को न्याय मिल जाए। अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो यह आंदोलन सफल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि ये जो चौक है, आप बता रहे थे कि यहाँ पे पांडव नृत्य होते हैं, गणेश जी का मंदिर मैं देख रहा हूं, पीछे मैं जानता हूं कि हमारी आराध्य देवी नंदा देवी का हम पर ऊपर से आशीर्वाद है, लाटू देवता बगल में बैठे हुए हैं, भगवान केदारनाथ का हमें आशीर्वाद है, भगवान बद्रीनाथ का हमें आशीर्वाद है। ऐसे में हमारी न्याय यात्रा असफल तो हो ही नहीं सकती, ये 100% सफल होगी। और इसके साथ सफल होगा हमारा वो संकल्प कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारी छोटी बेटियां हैं, जो अब अभी पढ़ाई कर रही हैं, कोई छोटी क्लासों में है, कोई आठवीं में है, कोई हाई स्कूल कर रही है, कोई इंटर कर रही है, तो उन बेटियों का, उन बहनों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मेरी 2-3 बहनें मुझे ऊपर छत में दिखाई दे रही हैं, इन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जो दूर दूर बैठ के सुन रही हैं कि उनका भाई क्या कह रहा है, वो समझ रही हैं कि लड़ाई क्या है। ये लड़ाई इन्हीं बहनों को बचाने की है कि जो पढ़ाई कर रही हैं और उसके बाद रोजगार भी करेंगी। हमारी बेटियां रोजगार करेंगी, वो प्राइवेट नौकरी करेंगी, कंपनियों में काम करेंगी,
पत्रकार बनेंगी, वकील बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, शिक्षक बनेंगी, तमाम काम वो करेंगी, लेकिन तभी वो काम कर पाएंगी जब हम उन्हें सुरक्षित करेंगे, जब हम उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देंगे। और कम से कम अपने प्रदेश में तो सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी हमारी है ही। क्या हम पहाड़ी इतने कमजोर हैं कि अपने उत्तराखंड के अंदर ही अपनी बेटियों को हम सुरक्षित वातावरण नहीं दे सकते? तो ये हमें सोचना है। और मेरी सारी बहनें, मेरी माताएं बहनें जितनी यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, भाई मेरे यहाँ पे आए हुए हैं, सभी इस बात को समझ भी रहे हैं। मैं यहाँ पे एक प्रश्न और उठाना चाह रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा और बोल सकूँ, थोड़ा सा 5 मिनट और आपसे ले रहा हूँ मैं आपके। एक विषय जो सबसे जड़ में है इसकी, क्योंकि देखिए अगर रोजगार का प्रश्न सॉल्व हो जाता, जब 22 साल पहले उत्तराखंड बना था तो उसकी कल्पना यही थी कि कोदा झंझोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन वो उत्तराखंड नहीं बना। हमारा कोदा झंझोरा आज पैदा भी नहीं हो पा रहा है। कई लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि खेती से कुछ हासिल नहीं होगा, जंगली जानवर खेती करने नहीं देते। अगर हम कुछ पैदा करते हैं तो सरकार उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार नहीं है। 22 साल में कोई ऐसी सरकार यहाँ नहीं आई जो हमारी इन पहाड़ी कंदराओं में आए, हमारे घर में आए, और हमने जो उत्पादन किया है, जो हमने कोदा झंझोरा पैदा किया हुआ है, जो हमारे माल्टा पेड़ों पे है लदा हुआ, उसकी हमें अच्छी कीमत दे दे। आपको नहीं लगता कि अगर 22 सालों में कोई एक ऐसी सरकार आ गई होती जिसने हमारे जो पहाड़ी उत्पाद है, हमारी फसलों का अच्छा पैसा दे दिया होता, हमारे लिए यही रोजगार पैदा कर दिया होता, जड़ी बूटी की खेती यहाँ की जा सकती थी, जड़ी बूटी से दवाइयां बनाई जा सकती थी, वो उद्योग भी यहाँ नहीं लगाया गया। अब ये कहते हैं कि आप होम स्टे चलाइए, और जब हम होम स्टे चलाते हैं तो बाहरी व्यक्ति यहाँ पे जमीन पर कब्जा करते हैं, और होटल और पर्यटन का जो कारोबार है उस पर भी धीरे धीरे पैसे वाले जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्यटन का भी काम होता है, ट्रैकिंग पर यहाँ पर्यटक आते हैं, और सारे पर्यटक अच्छी नजर वाले नहीं होते हैं, उसमें कुछ शराबी होते हैं, कुछ कबाबी होते हैं, कुछ गुंडे मवाली होते हैं, और वो फिर हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर गंदी नजर डालते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी जमीन न बेचें, अपनी जमीन को बचा कर रखें। अगर इस कारोबार को करने के लिए, होटल बनाने के लिए किसी कारोबार करने को जमीन देनी है तो अपने भाई को देना, पहाड़ के आदमी को देना, अपने इलाके के आदमी को देना। वो आपकी फिक्र करेगा, वो सोचेगा, समझेगा इस बात को कि आपकी बहन की इज्जत की क्या कीमत है, माँ की इज्जत की क्या कीमत है। तो ये मेरा सबसे बड़ा अनुरोध आपसे है कि सबसे पहले तो अपनी जमीनों को बाहरी लोगों को, प्रदेश से बाहर के लोगों को देना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जो सरकार होम स्टे चलाने की बात करती है, होम स्टे को भी लीज पर अगर दे तो साथ में पार्टनर रहे, साथ में वो जो बाहर का व्यक्ति आपके साथ पर्यटन का कारोबार कर रहा है उससे एक लिखित इकरारनामा बनवाए। वकील साहब परसवान जी हैं, वो आपके लिए इकरारनामा बनाएंगे, शर्तें बनाएंगे कि किस तरह से काम होना है, जिससे कि उस कारोबार पर भी आपकी नजर रहे। ऐसा ना हो कि वो आपके होम स्टे के मार्फत आपकी बहन बेटियों का सौदा करना शुरू कर दे। ये खास तौर पे मैं अपने चमोली के भाई बहनों से कहना चाह रहा हूँ, रुद्रप्रयाग के भाई बहनों से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, बाहर से यात्री आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, और क्योंकि मैं अब यहाँ पहली बार आया इस बार तो हमेशा आता रहूंगा, फरसवान जी के साथ आता रहूंगा, और अभी तो हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। जिस दिन भगवान न करे कोर्ट से अगर हमें निराशा हाथ लगी तो उस दिन आपको मां नंदा की जो आप बेटियां हैं आपको चंडीगढ़ रूप लेना होगा, और फिर हम सत्ता को बताएंगे कि न्याय हम कैसे लेते हैं। इसी आशीर्वाद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और जरूरी हुआ तो आप कभी भी मुझे, मैं अपना यहां पे फोन नंबर छोड़ जा रहा हूं क्योंकि मैं
एक पत्रकार हूं, आपकी आवाज अगर कोई नहीं सुनता है तो आप मुझे एक फोन कर सकते हैं, और उस फोन के माध्यम से मैं पौड़ी में बैठा हुआ, मंडल मुख्यालय पौड़ी में बैठा हुआ, इस गढ़वाल कमिश्नरी के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ आपकी बात को कमिश्नर तक ले जाऊंगा, आपकी बात को सरकार तक ले जाऊंगा, और आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो आप मेरा फोन नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए, 7830677767 मेरा नंबर है। आप फेसबुक चलाते होंगे क्योंकि माँ बहनें सभी फेसबुक चलाती हैं, 7830678306777 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और जागो उत्तराखंड नाम से मेरा एक फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो लाइव चल रहा है उसमें भी आपको उसकी सारी खबरें दिखाई देंगी। और आपकी जो भी जन समस्या होगी, हमने अंकिता को जो न्याय देने की लड़ाई है उसी जागो उत्तराखंड का जो मेरा अखबार है उसके पेज से शुरू की थी, और आज वो इतना बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। तो उसे कमजोर मत समझिए और उसके माध्यम से मुझसे जुड़िए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा, आपके जो मुझसे उम्मीदें हैं उस पे खरा उतरेगा। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, एक बार सभी नारा लगाएं, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। धन्यवाद श्री आशुतोष नेगी जी, आपने बहुत अच्छे वक्तव्य दिए, बहुत अच्छे सुझाव दिए। हमारे उत्तराखंड बचाने के लिए आप